हेलो फ्रेंड्स, आज कहानी सती। समय प्राय 4 पखापाखि। घर अगण से स्वाति चौकी उपर बसी अपराह को उपभोग करूला। घर कहले गोटे महला विशिष्ट घर, से आवश्यक परिमाण रूम थिला। घर बाहर को अगणा टीए और अगणा को लग कर सूच पचेरी। परिवार कहले स्वाति तार स्वामी अरुण शाशु और शशुर रहुथिला। देढ़शुर और बड़जा तार बेंगलोर परिवार नहीं रोचंती। समय केमिति बीती जाइछि ताकू स्वाति कल्पना करूथिला। काली भोली घरे नुआ बहु भावे गृह प्रवेश करिथिला और एहा मध्यरे दीर्घ 5 बीती जाइथिला। भगवान को कृपारु किछि भी असुविधा नथिला, मात्र कोळटी तार असंपूर्ण थिला। संतनर सुख इच्छा करूथिबा स्वाति आज अंतसत्वा गर्भरे तार 8 संतान जेपरी दुनिया को देखिबा को विकल हेउछि, एहा तापाई कौनसी चमत्कार रु मध्य कम नुहे। हाँ, विवाह परे ही ताकु अरुण सबु कथा कहि देथिला जे तार समस्त प्रकार समस्या थाई मध्य संतान सुख को स्वाति जीनगत कारण रु न देई पारिबा। किंतु एक कथा स्वाति छोड़ा अरुण निज परिवार रे काहाकु मध्य जणाई नथिला। स्वामी को अक्षमता को लुचाइबा को जाई ताकु बंध्या शब्दर निहाण मुनर जंत्रणा को मध्य सह्य करिवाकु पड़िछि। हेले अरुण ए शब्द को ए तात्सल्य को सह्य करि पारि नथिला। से जानिथिला जे स्वाति तार तनु मनुरे केवल निज स्वामी को ही भलो पाउथिला, तथापि से निरुपाय होई एक बड़ पदक्षेप नहींथिला। प्रथमे स्वाति तार प्रस्ताव शुणी भांगी पड़िथिला, भव होई कांदिथिला। केमिति से ता निजकु अन्य एक पुरुष पाखरे समर्पित देव। आखि बंद कले ताकु अरुण छोड़ा आउ केही देखा जाउ नथिले। अनेक बुझा सुझा परे से अरुण कथारे राजी होइथिले, मध्य निज मन को बुझे पारि नथिला। बंध्या शब्दर प्रतिकार पाई जे ताकु निजर सतीत्व रे दाग लगेबाकु पड़िबो, ए कथाकु से सहजरे ग्रहण करि पारु नथिला। अगणारे बसी अतीतर पृष्ठाकु लेउटाउथिबा बेले आखिरु लुह झरि जाउथिला। सेदिन थिला एको काल बैशाखीर दिन, शाशु और शशुर दुहे बड़ पु पाख को जाइले। अवश्य योजनाबद्ध भावे अरुण पठाइला। संध्या प्राय 7 होता है, घर कॉलिंग बेल बाजिला। स्वातिर हृदय स्पंदन गति मध्य बढ़ी जाइला। कबाट खोलिबारु अरुण आर पिलादिन बंधु प्रकाश को देखिथिला। प्रकाश अरुण अति अंतरंग बंधु थिला, जहाँकु अरुण बिना द्विधारे तार समस्त भलमंद कथा कहूला। हाँ, स्वाति व्यतीत केवल प्रकाश ही थिला जीए कि अरुण दुर्बलता जानिथिला। प्रकाश को ड्रॉइंग रूम रे बसई दे अरुण स्वाति को नहीं रूम को चली जाइथिला। स्वाति ताकु जाबुड़ी धरी पुणी एक असहाय चाहणी रे चाहि कांदिबा को लागिथिला। अरुण ता आखिरु लोह पछि ताकु सांत्वना दे कहिथिला, कांदोनी स्वाति, बास थरुटिए, आम भविष्यत कथा भाभी बुझी पारुछ तो। वास तापरे से रूम रु बाहरी आसीथिला ओ प्रकाश को स्वाति रूम को जीवा पाई कहिथिला। प्रकाश रूम रे जाय स्वाति को प्रश्न भरा नयन रे चाहि कहिला, देखो भाउज, मु तुमको बहुत सम्मान दिए। मु अरुण रो ए प्रस्ताव को प्रथमे ग्रहण करि नथिली, मात्र मु राजी नहले से आत्महत्या करि देबो बोली करुण भावरे कहिबारु आउ किछि कहि पारि नथिली। तापरे स्वाति रो आखि खोलि नथिला। जहाँ भी किसी घटुला ता हृदय मस्तिष्क सबुठारे से केवल अरुणर छवि देखुला, ताकु अनुभव करूला। स्वाति ए स्वाति, हठात स्वाति ए शब्द को शुणी अतीतर लेउटी आसला। शाशु तार डाकुले, आरे माँ संध्या हलाणी परा आ घर को पलै आसे, इतिम्य आउ 1 अतिक्रांत कर सारी। स्वाति गर्भ जंत्रणा अनुभव करिवारु ताकु तुरंत डाक्तरखाना को नियागला। स्वाति जंत्रणा को जी अनुभव करूनला, निज संतानर रूप नहीं बेसी चिंतित थिला। कारण ता बाप घर और शाशुघर लोक समस्ते गौरवर्ण थिले, मात्र प्रकाश श्यामल वर्णर थिला। साही पड़िसार टाही टापरा सही पार तो एमिति भाबु भाबु से केते बेले जे अचेत हो जाइथिला जानी पारि नथिला। चेता फेरी आसिला पोरे समस्त ताकु अभिनंदन जणाउथिले। से अत्यंत भयभीत भावे तार नवजात शिशु को जेबे चाहिला एक दीर्घश्वास पकाई शिशुटी को आलिंगन करी पकाइला। शिशुटी तोफा गोरा थिला।
ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ତା'ର ବାପା ପରି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅରୁଣ ମୁହଁକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣିଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ସ୍ୱାତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅରୁଣ ପରି ଆଖି, ନାକ, କାନ, ରଙ୍ଗ କିପରି, ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତୀତ୍ୱକୁ ତ ସେ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଦୁନିଆ ଠାରୁ ସିନା ଅଛପା, ମାତ୍ର ଅରୁଣ ଓ ପ୍ରକାଶ ସାମ୍ନାରେ ସେ କିପରି ନିଜକୁ ସତୀ ବୋଲି କହିପାରିବ, କିପରି ନିଜ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଅରୁଣ ଆସି ସ୍ୱାତି କାନରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସ୍ୱାତି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ସତୀ ଥିଲ, ଅଛ ଓ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତୀ ରହିଥିବ। ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱାତିର ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ବୁଝି ଅରୁଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱାତି ନିଜ ନବଜାତ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ଆଣି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥାଏ, ଯେପରି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି।